अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कुरानी वजीफ़ा, जिससे आप अपने खोए हुए प्यार को, जी हाँ, आपका अगर कोई एक्स है उसे आप अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकते हैं। कुरानी वजीफ़ा है जिस पर पूरा आपको, पूरी तरह से आपको विश्वास करना होगा, आपको ट्रस्ट करना होगा, और आपका ये जो काम है, आपका जो एक्स है या आपकी जो रूठी हुई मोहब्बत है, आपका जो पुराना प्यार है, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। बहुत ही आसान है इसे करना, इसे आपको रोज़ाना करना है जब तक कि आपकी मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में वापस ना आ जाए। आपको करना क्या है मैं आपको बता देती हूँ, ये कुरानी वजीफ़ा इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सूरह अनफाल की आयत नंबर 63 को रोज़ाना आपको 11 बार पढ़ना है और दुआ करना है कि आपकी खोई हुई मोहब्बत फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। खोई हुई मोहब्बत को फिर से हासिल करने की आपको कुरानी दुआ पढ़नी है, जी हाँ। और ये कुरानी वजीफ़ा इस तरह से है, आप इसे नोट कर लीजिए। वजीफ़ा है वा अल्लफा बायना कुलुबिहिम ला अनफाकता मा फिल अर्दी जमियाम मा अलाफता बाइना कुलुबिहिम वा लकीनालला अलाफा बाइनाहुम इनाहू अजीजुम हकीमू। ये आपको पढ़ना है, 63 बार आपको रोज़ाना पढ़ना है, और इसे आपको सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और आपको दुआ मांगनी है कि आपकी मोहब्बत, आपकी जो खोई हुई मोहब्बत है, आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। इसे पढ़ने से क्या होगा कि आपकी मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सूरह अनफाल की आयत नंबर 63 यानी कि 63 को, सूरह अनफाल आयत नंबर 63 को आपको पढ़ना है, और इसे आपको पढ़ना है 11 मर्तबा। 11 मर्तबा पढ़ना है आपको रोजाना। अगर आप इसे रोजाना करते हैं और उस समय आप अपनी जो आपकी खोई हुई मोहब्बत है उसे पाने का, उसे वापस हासिल करने का आपको ज़िक्र करना है, क्योंकि ये कुरानी दुआ है, आपके ज़रूर काम आएगी, आपकी मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाएगी और आपको आपका जो एक्स है वो वापस मिल जाएगा। तो इससे आप कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी, अगर आपको हमसे कोई और मसले का आपको हल लेना है, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। शब्बा खैर।